जिस मौके का फायदा जिस पदाधिकारियों ने जिस व्यक्ति ने उठाया है ये यकीन माना जाएगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसा काम किया, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। इतना भी वो गलती नहीं किए थे कि उनको इस तरह से जेल में देना चाहिए, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए ही मांग रहे थे, तो उन्होंने उनसे गलती हो गई। अगर उनके यहाँ बेल था, आज हम पर भी बेल टूटे, या तो आप उनको सूचित कीजिएगा आपका बेल टूटा हुआ है। मैं भी जो कई केस का मुदाले रह चुका हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, मैं दूध का धोया हुआ हूँ। अगर उनका वारंट आ गया था, दोषी है कौन, उनसे भाग तो नहीं रहा था उनको। आप पहले कहते हैं कि पप्पू जी आपने पेपर में देते हैं कि आप पर ये वारंट है, आप सिलेंडर हो जाइए, लेकिन दूसरी तरफ इतना भी वो गलती नहीं किए थे कि उनको इस तरह से जेल में देना चाहिए, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए ही मांग रहे थे, तो उनसे गलती हो गई। और ये 32 साल पुराना केस में बेलकुट्टी में अगर दिया गया तो वो पदाधिकारी भी दोषी है, वो थाना भी दोषी है जिन्होंने इसके पुराने बेल को रखा जमा करके, इसको पहले ही अरेस्ट करना चाहिए। इस अगर उनके यहाँ बेल था, आज हम पर भी बेल टूटे, या तो आप उनको सूचित कीजिएगा आपका बेल टूटा हुआ है। मैं भी जो कई केस का मुदाले रह चुका हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, मैं दूध का धोया हुआ हूँ, मैं भी केस का मुदाले रह चुका हूँ। अगर मेरे ऊपर वारंट है तो आप उनको सूचित कीजिए, हम बेल कराएंगे, अथवा हम बेल नहीं कराते तो आप हमारा उसी समय अरेस्टिंग कीजिए, चलते फिरते अरेस्ट कर लीजिए। बहुत भी इसमें ना है, कानून की भी यहाँ मैं दोष देता हूँ कि 32 साल पुराना आप इस समय में आप अरेस्ट करने का कोशिश किया, या इस समय केस निकालने के, वो थाना भी दोषी है जिस थाने में ये केस करा हुआ। वो एक पॉलिटिक्स करने वाले नेता थे, वो जनता के प्रति अपना सारे भाव रखते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अगर उनका वारंट आ गया था, दोषी है कौन, उनसे भाग तो नहीं रहा था उनको। आप पहले कहते हैं कि पप्पू जी आपने पेपर में देते हैं कि आप पर ये वारंट है, आप सिलेंडर हो जाइए, सूचना मिलना चाहिए पुलिस की तरफ से। अगर उन्होंने नहीं दिया और जिस मौके का फायदा जिस पदाधिकारियों ने जिस व्यक्ति ने उठाया है ये यकीनन माना जाएगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसा काम किया, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं एम्बुलेंस पकड़वाया इसलिए इसकी सजा मिला क्या? अब तो लोग यही कह रहे हैं तो हमको यही कहना होगा, हकीकत है उनको, उन्होंने गलती किया, मैंने पप्पू यादव ने गलती किया कि उनको कानून का सहारा लेकर के एम्बुलेंस को छोड़वाना चाहिए। एम्बुलेंस उतनी एम्बुलेंस कैद में थी, एक सोचने इस सप्ताह की घड़ी में एक सोचने की विषय था। हम माननीय जो राजीव प्रताप रूडी जी का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन एम्बुलेंस को पप्पू जी को भी चाहिए, हमारे माननीय पप्पू जी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो विपदा की, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि विपदा की घड़ी में कहीं एम्बुलेंस जवान लोगों ने यहाँ अपनी जान निछावर करके प्राइवेट गाड़ी से पेशेंट को पहुँचाना शुरू किया, उनके यहाँ सरकार का एम्बुलेंस रखा हुआ था, ये तो बहुत निंदनीय विषय है, जिसको हमें कभी नहीं कहूंगा कि अच्छा हुआ। जो अच्छा है मैं अच्छा कहूंगा, जो गलत है मैं गलत कहूंगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इस विपदा की घड़ी में पप्पू यादव ने गलती किया ये, लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस के विषय में आवाज़ उठाया, मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक जनता के बीच में एम्बुलेंस जो कानून के दायरे में जो चले गए, तो माननीय न्यायालय का जो निर्देश होगा जी उनको पप्पू जी को भी मानना होगा, सरकार को भी मानना होगा और हमें भी मानना होगा। मुन्ने न्यायालय से हम लोग बढ़कर नहीं है, उनका आदेश हम लोगों के सर आंखों पर है, और स्वाभिमान से मैं उनके आदेश को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब ये मामला ना सरकार का है ना थाना फौरी का है, अब ये न्यायालय का है। अब न्यायालय जो विचार, न्यायालय को जो उचित विधायेगा, न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सम्मानजनक आएगा, मैं उनका सम्मान करूँगा, चाहे मेरे विषय में आए ये पप्पू जी के विषय में। न्यायालय सर्वोपरि है, उसको सबों को मानना चाहिए और मैं भी मानता हूँ।